एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने शो में सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। तो मैंने आपसे पूछा था कि रियल लाइफ में कौन बुलाता था किसको बाबू मोशाय। मैं बताता हूं आपको, आप आनंद फिल्म की कहानी से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। आनंद एक ऑल टाइम ग्रेट फिल्म कही जा सकती है। राजेश खन्ना इस फिल्म की पहली चॉइस नहीं थे और ना ही अमिताभ बच्चन इस फिल्म की पहली चॉइस थे। ये फिल्म डायरेक्ट की थी ऋषिकेश मुखर्जी ने। ऋषिकेश मुखर्जी अपने जमाने के बेहतरीन एडिटर भी थे। डायरेक्टर बनने से पहले ऋषिदा एडिटर थे और उन्होंने राज कपूर की बहुत सारी फिल्म्स एडिट भी की हैं। राज कपूर के साथ उनकी गहरी दोस्ती थी, याराना था। इस वजह से राज कपूर प्रेममय होकर ऋषिकेश मुखर्जी को बाबू मोशाय बुलाया करते थे। आनंद की जब परिकल्पना सामने आई, जिसका जब कॉन्सेप्ट सामने आया, तो ऋषिकेश मुखर्जी के जहन में जो चेहरा सबसे पहले दिमाग में आया, वो चेहरा राजेश खन्ना का नहीं था मेरे दोस्तों, वो चेहरा था राज कपूर का। राज कपूर उनके दोस्त थे, साथ काम भी करते थे। अनाड़ी फिल्म में दादा ने उनको डायरेक्ट भी किया था। इत्तफाक से राज कपूर किसी कारणवश बाबू मोशाय यानी कि अपने प्रिय मित्र डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की ये फिल्म नहीं कर पाए। तो फिर एक चर्चा सामने आई कि आनंद के रोल के लिए किशोर कुमार को लिया जाए, और जो बाबू मोशाय डॉक्टर भास्कर का रोल था उसके लिए सौमित्र चटर्जी का नाम भी सामने आया और एक दो कुछ और कलाकारों के नाम आए, लेकिन बात बनी नहीं। अब हुआ क्या कि आराधना की सफलता के बाद राजेश खन्ना बन गए थे सुपरस्टार, और ऐसा सुनने में आया है कि उनके कानों में आनंद की स्क्रिप्ट पड़ी, आनंद की कहानी की बात हुई, और ऋषिकेश मुखर्जी से इम्प्रेस तो सभी लोग थे, इसलिए ऐसा सुनते हैं कि राजेश खन्ना ने उनको अप्रोच किया। उस जमाने में राजेश खन्ना 20-22 लाख रुपया एक फिल्म का लिया करते थे, और ऋषिदा की फिल्म तो छोटे बजट की फिल्म होते, 7-8 लाख रुपए में बन जाया करती थी। लेकिन ऐसा सुना है कि राजेश खन्ना ने खुद दादा को अप्रोच किया और मना लिया कि मैं ही ये रोल करूंगा। ये राजेश खन्ना साहब की ग्रेटनेस थी कि सुपरस्टार होने के बावजूद उनके अंदर अच्छे काम करने का पैशन था, उनके अंदर उनके दिल में एक पैशन था कि ग्रेट एक्टर्स ग्रेट डायरेक्टर्स के साथ वो ग्रेट स्क्रिप्ट के साथ जुड़े रहें। तो इस तरह से राजेश खन्ना इस फिल्म के साथ जुड़ गए और फिर अमिताभ बच्चन भी आ गए। और कहते हैं कि गुलजार साहब ने एक इंटरव्यू में कहा है कि गुलजार को भेजा गया था ऋषिकेश मुखर्जी ने कि जाके किसी तरह से राजेश खन्ना को मना लो, और गुलजार साहब ने पता नहीं किस तरह से कहानी सुनाई और कितना इम्प्रेस किया कि राजेश खन्ना इस रोल को करने के लिए मान गए। ये दो अलग अलग वर्जन है, मैंने दोनों वर्जन आपके सामने रख दिए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आनंद आई और आनंद में राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर को जनता आज तक नहीं भूल पाई है। बात चल रही है 1971 की, तो वो कौन सा गीतकार था जो इस साल बन गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।